साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। तो बीते दिनों देर शाम एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया और लोगों को लगने लगा कि क्या 2016 जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो जाएंगे, क्योंकि 30 सितंबर के बाद से इंडिया में 2000 के नोट नहीं चलेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बीते दिनों 19 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की बात कही है। वही RBI ने साथ ही ये भी घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है और इस सर्कुलर के तहत नोटों को 30 सितंबर तक बैंक में वापस किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि गुलाबी नोट पर जनता पर इसका क्या असर होगा और RBI के फैसले पर सरकार पर सवाल उठाते विपक्षी पार्टियां आखिर क्यों इतनी बेचैन है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस पूरे मामले को लेकर जो नेताओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो भी आपको सुनाते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया, 16,000 करोड़ रुपए मात्र RBI के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और ATM रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। RBI किन परिस्थितियों में नोट बंदी की है उसका जवाब तो RBI दे सकते हैं, लेकिन जो नोटबंदी का फैसला था मोदी जी का वो हमारे देश के विकास के लिए था, क्योंकि उस नोटबंदी से कुछ लोगों ने नोटों को अपने घरों में रख लिए थे, उन्हीं नोटों को रखकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता था, दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आज उस नोट को जब बंदी की गई तो आतंकवाद रुका और जो है देश का विकास अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो इससे क्या होता है कि नोटों के वजह से नोट जो रोक लेते हैं घरों में रख लेते हैं, नोट अर्थ जो होता है वो देश के लिए होता है, अर्थ जो व्यवस्था है वो पैसा है वो पूरे देश के लिए है, सभी समाज के लिए है। तो अगर हम उसे बैंक में रखते हैं तो ग्रोथ होता है, हम व्यापार में रखते हैं ग्रोथ होता है, कहीं भी लगाएंगे तो ग्रोथ होगा, उससे एक तो पर्सनल किसी का विकास होगा, कंपनी का होगा, समाज का होगा, क्षेत्र देश का होगा, इसी की वजह से हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए। जो फैसला RBI ने दिया उसने कहीं ना कहीं देशवासियों को बेहद ही चौंका दिया था। दरअसल RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए स्पेशल विंडोज भी होंगी, जहां आप आसानी से 2000 के नोट भी बदल पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट उस वक्त बाजार में है। अब देखना यह होगा कि इसमें से कितने नोट बैंक में वापस आते हैं, क्योंकि RBI ने एक बड़ा आंकड़ा जारी किया है कि 3.62 लाख करोड़ के 2000 के नोट उस वक्त बाजारों में चलन में है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर इन सब में से कितने नोट जो है वो बैंक में वापस आते हैं। तो वही इस पूरे मामले को लेकर BJP के सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का यह भी कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों ने जमा कर रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट तक नहीं है, क्योंकि अमूमन हम सभी जब बाजार निकलते होंगे तो 2000 के नोट का चलन हम सभी ने काफी कम देखा होगा। अक्सर हम जब 2000 के नोट को अगर लेकर के मार्केट में लोगों के बीच या दुकानों पर पहुंचते थे तो ये भी देखा था कि लोग कहते हैं कि हमारे पास चेंज नहीं है। तो इस दौरान जो सुशील कुमार मोदी है उनका भी यही कहना था कि 2000 के नोट फिलहाल बाजारों से गायब हैं, लेकिन ये नोट बड़ी मात्रा में इकट्ठा किए जा रहे हैं। वही इस कदम के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लैक मनी है वो भी अब मार्केट में है और वो बाहर आ जाएगा। टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला भी लिया गया था। लेकिन अब आपको एक बार साल 2016 में चलते हैं। उस दौरान कहा गया था कि 1000 और 500 का जो नोट है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसे नोटबंदी करार दिया गया था। तब भी भाजपा ने तमाम दलीलें पेश की थी कि टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी और जो ब्लैक मनी विदेशों में है वो भारत आ जाएगा।
लेकिन उसके बाद अभी तक कोई आंकड़े उसके सामने नहीं आए। तो अब एक बार फिर से विपक्ष जो पार्टियां हैं वो यही दलील दे रही हैं कि टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी, इस पर लगाम लगाने के लिए ये जो है ये फैसला लिया गया है, क्योंकि 2000 के नोट कहीं ना कहीं बाजारों से तो नदारद है लेकिन ये बड़ी मात्रा में लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं। तो आरबीआई के इस फैसले पर जो है विपक्षी पार्टियां लगातार बौखलाहट में है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। तो वह इस चर्चा पर आज हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हैं, दिलीप यशवर्धन ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही मलिक प्रवक्ता है कांग्रेस से, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं दिलीप यशवर्धन जी का। दिलीप जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है एकाएक, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? हाँ, स्वागत करने जैसा तो कुछ नहीं है मुस्कान जी इस फैसले में। ये सरकार का एक फैसला है आरबीआई के माध्यम से कि 2000 के नोट, हालांकि जो प्रेस रिलीज इश्यू करी गई है कल, उसमें लिखा है कि 2018-19 से नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी और 31 मार्च 2023 को मात्र 10.8% नोट सर्कुलेशन में थे। अब इससे दो सवाल खड़े होते हैं कि 10.8% मार्केट में सर्कुलेशन में थे तो जो बाकी के 89.2% नोट हैं वो क्या सरकारी चेस्ट में जमा है या दो नंबर में लोगों ने डंप कर लिए? अगर सरकारी चेस्ट में जमा है तो इस थोड़े से पैसे के लिए ये दोबारा से नोट को बंद करना कहीं से तर्कसंगत नहीं है, और अगर वो पैसा दो नंबर का लोगों ने डंप कर लिया है तो वो डंप करने वाले लोग ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास नहीं है, वो एक अलग सेगमेंट है जिसने इस दो नंबर की मनी को दबा रखा है, उसको निकालने के लिए सरकार के पास पूरी मशीनरी है। अब ये आम आदमी को फिर परेशान करके या स्पेशली जो मिडिल क्लास सेगमेंट का बिजनेसमैन है उसको फिर से परेशानी में डाल करके, फिर से उसको डिस्टर्ब करके, ये एक पब्लिक हित में नहीं है। और जो कारण दिया गया है, क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी का आरबीआई ने जो डेफिनेशन दी है वो ये कि जनता को अच्छे नोट मिले। तो अच्छे नोट का क्या मतलब है? मतलब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिल्कुल। इट इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट। तो गुड क्वालिटी बैंक नोट से क्या मतलब है? क्या 2000 का नोट ये वाला ले करके कोई ऐसा 2000 का नोट दिया जाएगा जो 3000 रुपए में चल जाएगा? या गुड क्वालिटी नोट से क्या मतलब है कि उसके पेपर खराब हो गया था? अगर पेपर खराब हो गया था तो आप नोट बदल लीजिए, कि पुराने नोट इस डेट से पहले के नोट जमा कर दीजिए, 2000 का नोट ले लीजिए। तो आम जनता को मेरे हिसाब से परेशानी होगी, और जो पब्लिक हित में काम किया जाता है ये काम पब्लिक हित में नहीं है। और इस नोट को बंद करने के बजाय और अल्टरनेटिव रेमेडीज थी जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते थे, प्लस जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 10.8% ही नोट सर्कुलेशन में है, ये आरबीआई के अपने प्रेस रिलीज में लिखा हुआ। बिल्कुल। तो जो बड़ा सेगमेंट है पैसे का जो या तो गवर्नमेंट खाते में जमा है या दो नंबर का लोगों की तिजोरी में बंद है, उन दोनों ही सिचुएशंस में ये जो 10% का पैसा है ये आम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सरकार को इस तरह की पॉलिसी नहीं लानी। बिल्कुल दिलीप जी, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। तो सीधा रुख करते हैं मलिक जी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक जी, जब ये फैसला लिया गया तो बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 2000 के नोट कहीं बाजार में चलन में नहीं है लेकिन बड़े बड़े लोगों ने इसे इकट्ठा करके रखा है, यही वजह है कि जो इस नोट को बाजार से बंद कर दिया जा रहा है। आप इस तर्क को कितना सही मान रहे हैं जो भाजपा देती हुई दिखाई दे रही है? नेताएं सब झूठ बोलते हैं। जो देश की नोटबंदी की थी उसकी आर्थिक स्थिति आज देश की क्या है वो समझना होगा पहले, इस नोटबंदी समझने से पहले। आरबीआई का 9 लाख करोड़ रिजर्व था वो खत्म कर दिया इस बैंक ने, इस सरकार ने खा गई है। 12 लाख करोड़ से ज्यादा एनपी है देश पे, 6.5% फिस्कल डेफिसिट है, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड हुए पिछले 9 सालों में, 10 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने राइट ऑफ किए हैं लोन, और जो पिछली बार नोटबंदी की थी उसमें केवल 16,000 करोड़ रुपया ब्लैक निकला था जो कि नहीं आया था आरबीआई के पास, और 21,000 करोड़ लागत में खर्च हो गया था जो कि करंसी छापने में थे, और इन्होंने क्या तर्क दिए थे इसके डिजिटल पेमेंट होंगे। लेकिन जब नोटबंदी की गई थी तो उस टाइम मार्केट सर्कुलेशन में 17 लाख करोड़ के आसपास था, और इस साल जो जनवरी 2023 तक है 31 लाख करोड़ रुपया मार्केट में सर्कुलेशन में, तो वो डिजिटल पेमेंट का क्या हुआ? और आतंकवाद की बात बोलते थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी खत्म हो गई है,
तो 10 जवान हमारे पिछले एक महीने में शहीद हुए कश्मीर में, आतंकवाद खत्म हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। और नक्सलवाद देख लीजिए, नक्सलवाद में भी हमारे सिपाही हमारे सोल्जर मारे जा रहे हैं। तो ये केवल झूठ बोलते हैं कि ब्लैक करेंसी पे ब्लैक मनी पे अटैक होगा। स्विस बैंकों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो अखबारों में खबरें छपी है 30% से ज्यादा ब्लैक धन विदेशों में और जमा हो गया है। मोदी जी के सारे मित्र जो थे वो पैसा लेके भाग गए। हाँ ये हुआ है। और LIC का हाल देख लीजिए, पिछले साल मई में इसकी जो वैल्यू थी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वो 3.5 लाख करोड़ थी, वो 5.5 लाख करोड़ थी, आज 3.5 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़ का घाटा एक साल में LIC को हो जाता है। हाँ ये हुआ है कि जो पैसा गरीब लोगों के पास था 2000 की करंसी वो बैंकों में जमा करेंगे, अब जरूरत पड़ रही होगी अडानी जी को तो उनको लोन देने का ये जरिया होगा, बैंकों में लोग पैसा जमा करेंगे, अपने मित्रों को लोन देंगे। ठीक है मलिक जी, काबिलियत की आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपने इस मुद्दे को भी अडानी से जोड़ दिया। ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी, सीधा रुख करते हैं विवेक जी का। विवेक जी, जब 2016 की नोटबंदी हुई थी तो भी आपकी पार्टी ने कहा था टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि ब्लैक मनी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी तो आज भी लोगों के पास है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ये क्या आपका तर्क सही है जो आप इस वक्त मीडिया के सामने लगातार जनता को कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप दे रहे हैं इस तर्क के जरिए? सरकार के स्तर पर जनता को लॉलीपॉप नहीं दिया जाता। एक जिम्मेदार मीडिया एंकर की तरफ से आप उन शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। ये गंभीर विषय है। सुशील मोदी जी ने राज्यसभा में 2000 के नोट को वापस लेने की मांग की थी, सदन में की थी, और सरकार ने उस पर सकारात्मकता से विचार करने का आश्वासन दिया था। विवेक जी शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए हैं, और आपने शायद मुझे कहा कि मेरे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरा सवाल ये है कि जब आपने 2016 में नोटबंदी की थी तो ये कहा था कि आतंकवाद पर लगाम लगेगा और ये कहा था कि काला धन बाहर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो आतंकवादी है, जो आतंक का काला खेल है, वो लगातार जारी है। तो आप इस बार क्या कुछ तर्क लेकर के आ रहे हैं कि इस बार आप लगाम लगा देंगे? देखिए मुस्कान जी, जी नोटबंदी के खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर फैसला आ चुका है। उन फैसले के दौरान सारे तर्क वितर्क हो चुके हैं, और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को कहीं से नाजायज नहीं ठहराया। जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद अब भी जारी है, बिल्कुल जारी है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो जो नोट बांध करके पत्थरबाजी होती थी उन घटनाओं का अब जिक्र नहीं होता। अब पत्थरबाजी नहीं दिखाई देती। जो छोटे छोटे बच्चों से पत्थरबाजी कराई जाती थी पैसे बांट के, वो काम खत्म हो गया। नक्सलीय कह रहे नक्सली हमले हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मात्रा में कमी आई है। एक समय ऐसा था कि नक्सली हमले में पूरी पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी छत्तीसगढ़ में। आज उस तरह के बड़े हमले करने की स्थिति में नक्सली नहीं है, धीरे धीरे उनकी कमर टूट रही है। हमारे सुरक्षाकर्मी मजबूती से नक्सलवाद पर लगाम लगा रहे हैं, आतंकवाद पर लगाम लगा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जिन लोगों को स्थितियां रास नहीं आती उनको दर्द है। नोट 2000 का चले, 500 का चले, जितने का भी चले, विपक्ष को दर्द क्या है? ये सरकार का विषय है। सरकार का अगर रिजर्व बैंक क्लीनिंग पॉलिसी के तहत ला रहा है 2000 का नोट देगा, तो आप अगर उस 2000 की वैल्यू 2000 है मार्केट में, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए भाई? अगर एक सदन का सदस्य राज्यसभा में कह रहा है पूरे तर्कों के साथ कि 2000 के नोट मार्केट से गायब है, दिखाई नहीं देते, बड़े बड़े लोगों के ब्लैक मनी के खजाने में छिप गए हैं, इनको निकाला जाना चाहिए, इनको वापस लिया जाना चाहिए, अगर उस पर सकारात्मकता से विचार होते हुए RBI एक तय सीमा दे रहा है तो दिक्कत क्या है? जब बैंक का जो नियम है कि 1.5 लाख से ऊपर अगर आप कैश लेके निकलते हैं तो आप लोकल थाने को इत्तला करिए,
तो इतनी बड़ी रकम घर में रखने का औचित्य क्या है? जिन राजनेताओं के यहाँ, जिन नौकरशाहों के यहाँ ब्लैक मनी डंप है, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। ठीक है, आम आदमी के घर में अगर, ठीक है विवेक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। दिलीप जी, मैं सीधा आपका रुख करती हूँ। दिलीप जी, जब पार्थ चटर्जी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, तो उस दौरान सभी ने देखा था कि जो सारे नोट थे वो 2000 के मिले थे, और तब ये कहा जा रहा था कि पिंक इज द न्यू ब्लैक, यानी कि अब जो गुलाबी नोट है, यानी कि 2000 की नोट है, वो अब काला धन इकट्ठा करने की एक नई और बड़ा नोट मिल गया है लोगों को। तो अब जिस तरीके से अब ये जो फैसला लिया गया है, क्या आपको वाकई में लगता है कि जो ये जो सारी जो तथ्य भाजपा दे रही है कि जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा या टेरर फंडिंग पर लगाम लगाई जाएगी, क्या वाकई में ये सब चीजें पॉसिबल हैं फिलहाल? मैं मानता हूं कि ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो 89.2% पैसा है वो या तो सरकारी खजाने में जमा है या ब्लैक मनी के रूप में डंप है। अगर सरकारी खजाने में जमा है तो 10% के लिए इतनी बड़ी कवायद क्यों? और अगर ब्लैक मनी जमा है तो ये सरकार को समझने की जरूरत है कि क्या ये इतना सारा पैसा जो भारत की 140 करोड़ जनता है उसके जो बहुतायत सेगमेंट है उनके पास होगा क्या? क्या लोअर क्लास जो 80 करोड़ जिनको ये खाना बांट रहे हैं उनके पास ये पैसा डंप होगा क्या? उसके बाद जो मिडिल लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, हाई लोअर क्लास, क्या उनके पास ये पैसा होगा क्या? ये चंद लोगों का होगा। उस चंद लोगों से पैसा निकालने के लिए आप पूरे भारत को परेशान करेंगे। आप खुद कहते कि 80 करोड़ जनता को आप खाना खिला रहे हैं, तो जिस जनता को आप खाना खिला रहे हैं उसके पास 2000 का नोट कहां से आएगा? बिल्कुल सही। तो 60% जनता तो ऐसे ही चढ़ गई आपकी, और जो रही सही जनता है उसमें भी बहुतायत गरीबों का, लोअर मिडिल क्लास का, हायर मिडिल क्लास का सेगमेंट है जिसके पास इतना पैसा डंप नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। ये पैसा चंद लोगों के पास डंप है, उनपे रेड मारी है, उनके घर में घुस जाइए, निकाल लाइए। सरकार के पास तो सारी मशीनरी है ना। अगर आपको आतंकवाद को रोकना है तो क्या भारत की 140 करोड़ जनता आतंकवादी है? उस 140 करोड़ में 135 करोड़ से कोई मतलब नहीं है इस पैसे का। विवेक जी, अभी आपने तर्क, ठीक है, 50 लाख के चक्कर में, बिल्कुल दिलीप जी, तर्क आपने दिया। अभी अगर आप तीनों के पास ही कैलकुलेटर है तो मैं आप तीनों से बोलूंगी कि जरा एक कैलकुलेशन करिए। जिस तरीके से कल ये जो फैसला आया कि एक दिन में जो हर एक आम नागरिक है वो 20,000 रुपए तक बदल सकता है, यानी कि 2000 के 10 नोट, उस हिसाब से माना जाए तो 30 दिसंबर की तारीख घोषित की गई है कि जब नोट बदले जाएंगे, यानी कि तकरीबन 4 महीना। तो अगर हम इन 20,000 से 4 महीनों का पूरा कैलकुलेशन निकालें तो 24 लाख। क्या वाकई में विवेक जी 24 लाख रुपए हर एक नागरिक को बैंक देने में फिलहाल सक्षम होगा हमारा? मुस्कान जी, आप तर्क नहीं कर रही, भाजपा के लोग कमीशन खाएंगे। जनता की सहूलियत के लिए ये ड्यूरेशन दिया गया है, किसी भी दिन। मैं वही पूछ रही हूँ कि आम आदमी 24 लाख रुपए अपने घर पे रखता है। मेरा सवाल ही यही है कि आम आदमी क्या 24 लाख रुपए घर पे रखता है जो आपने सहूलियत की बात की है? नहीं नहीं, आप तर्क कर रही है या वितर्क कर रही है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल नहीं है मुस्कान जी, ये मेरा सवाल विवेक जी, शायद आप समझ नहीं पा रहे कि मेरा सवाल ये कि क्या 24,000 कि क्या 24 लाख, विवेक जी सुन लीजिए, कि क्या 24 लाख रुपए एक आम आदमी अपने घर में रखता है? 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता। 24 लाख की बात कर रही है, परमिशन नहीं है। बताइए, 1.5 लाख से ज्यादा अगर कैश लेके आप आ जा रहे हैं तो आपको लोकल थाने को इतला देनी चाहिए। ये नियम है, पहले से हमारा बनाया नहीं, पूर्व पहले से बना नियम है। विवेक जी, तर्क तो मेरा यही है कि आपने सीधे कहा कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है और आप इस फैसले का बेहद ही अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि इस जो फैसला लिया गया है काला बाजारी पर लगाम लगेगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगा, ठीक है, ये सारे तर्क आपके हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जायज हो, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या इतने महीनों में 24 लाख रुपए अगर हर एक, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी भी निकालने जाता है, तो क्या 24 लाख रुपए हर एक आदमी को देना बैंक के लिए फिलहाल संभव हो पाएगा इन 4 महीनों में? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। जो जाएगा लेने वो अपने खाते भर की रकम लेने जाएगा, और जो जमा करेगा 20,000 रुपए वो लिखा पढ़ी में रहेगा। पूरा समय दिया गया है कि कोई काउंटर पे भीड़ ना हो, कोई आपाधापी ना हो, कोई लंबी लाइनें ना लगे, जिसको जरूरत हो जाए ले आए,
बदलना चाहे बदल सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। जनता का सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा तो भी आपको दिक्कत है, ना रखा जाए तो भी दिक्कत है। चितवी मेरी पटवी मेरी ऊंट मेरे बाप का, ये कोई बात थोड़ी होती है। ठीक है, अभी आपने सुना मलिक जी कि उन्होंने, विवेक जी ने कहा कि जनता को तो भरपूर समय दिया गया है कि वो बारी बारी से जाए अपना पैसा बदले, लेकिन विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है फिर, क्योंकि समय तो इस बार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिया गया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ विवेक जी, जिसमें अमित शाह डायरेक्टर थे, सहकारी बैंक थी अहमदाबाद की, एक दिन में 700-750 करोड़ जमा हुआ था, उसकी जाँच हुई। महेश शाह जो 13,000 करोड़ जिसके बाहर निकला था, आपके पास विषय है, यही प्रॉब्लम है। जब मैं सच बोलता हूँ तो आपको सीबीआई के दफ्तर खुले हुए हैं, जिसमें अमित शाह डायरेक्टर खुला हुआ है, एक दिन में 750 रुपया क्या हुआ, महेश पकड़ा गया था, उसके पास। देखिए विवेक और मलिक जी दोनों अगर तर्कों के साथ बात करेंगे तो तर्कों के साथ हमारे दर्शक इस डिबेट को देखना ज्यादा पसंद करेगी। आप लोग एक एक करके बोलिए और पूरे तर्कों को रखिए। मेरा मेरे से सवाल पूछा पर जवाब श्रीवास्तव जी दे रहे हैं। अरे बड़े भाई सुन लीजिए, आप तथ्यात्मक रूप से दस्तावेजों के साथ बात करिए। ₹13,000 करोड़ उसके पास निकला था, उसका क्या हुआ, अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, जांच करिए। आपने पूरे देश को गरीब जनता का पैसा लूटो और उद्योगपति मित्रों को लोन दो, फिर देश को लुटाओ। प्रधानमंत्री जी फिर गायबी। आप दोनों ही प्रवक्ताओं को जो मुद्दे है उससे भटकना बखूबी आता है, क्योंकि आपने भी इस पूरे मुद्दे को अडानी से आखिर जोड़ ही दिया है। तो ठीक है, अब सीधे सपा से हमारे साथ दीपक रंजन जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। दीपक जी, पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अब सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी आप विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहे होंगे कि उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने 3 से 4 महीने का समय आम जनता को दिया है कि वो बैंक में जाए अपने पैसों को बदले, लेकिन विपक्ष को आखिर इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया हुआ फैसला है। आज से 6.5 साल पहले मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी वो पूरे हिंदुस्तान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों करके पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने एक फरमान, तुगलकी फरमान उन्होंने जारी करने का काम किया। तुगलकी फरमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान हुआ करते थे पूर्व में। उन्होंने पहले चांदी का सिक्का चलाया, उसके बाद उन्होंने पीतल का सिक्का चलाया, फिर उन्होंने तांबे का सिक्का चलाया, फिर उन्होंने कांस का सिक्का चलाया, फिर उसके बाद आखिरकार उनको फिर से चांदी का सिक्का चलाना पड़ा। लेकिन उनको लोग सन की सुल्तान के नाम से जानते थे, उनको लोग सन की सुल्तान कहते थे। और तुगलकी फरमान जिस तरीके से 2016 8 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री जी ने भाइयों बहनों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो है वो इलीगल टेंडर हो गए, उन्होंने बिल्कुल एकदम उसको डिस्ट्रॉय करने की बात की। जब 6.5 साल पहले आप ही ने 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट आपने चालू किया, आपने कहा देश में काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस छोटे आपने कहा कि 1000 के नोट से भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, आपने छोटे नोट को बंद करके उससे बड़ा नोट, उससे बड़े वैल्यू का नोट आप लेकर के आए, साइज में जरूर वो छोटा रहा लेकिन आप वो लेकर के, और आपने कहा कि हिंदुस्तान से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म होगा और लेन देन जो है, जो काला सफ़ेद है, जो काला धन है, वो बैंक के खाते में आएगा। हमारा किसी से या किसी का किसी से लेन देन तो काला सफ़ेद हो सकता है लेकिन नोट कभी काला सफ़ेद नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से जब इनका 2000 के नोटों से इनका लेन देन सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार को उन्होंने मध्य प्रदेश में नोट के बल पे इन्होंने जो है सरकार बनाने का काम किया मध्य प्रदेश में, यही हाल इन्होंने गोवा में किया, यही हाल मणिपुर में इन्होंने किया, मणिपुर आज जो है पूरी तरीके से जल रहा है, यही हाल इन्होंने महाराष्ट्र में किया। जब कर्नाटक में ये फेल हो गए तब इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि 2000 के नोट जो है वो 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 4 महीने का टाइम है। अरे 4 महीने का टाइम किस लिए है, लाइन में लगने के लिए?
अभी पूर्व में भी आपने लाइन में लगाया था, कितने लोगों की बहनों की हमारे बेटियों की हमारी शादियां टूटी, कितने की कितने लाइन में लगे लगे लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों का हार्ट फेल कर गया, इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बताते हैं टेरर फंडिंग की बात आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा या बहुत से सम्मानित चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है और उसके 3 दिन के अंदर ही अंदर जम्मू कश्मीर में जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जेब से 3000 के दो हजार के 3 नोट कहाँ से निकलते हैं? हमने आपने नोट देखा होगा 2000 का 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन इनके पास वो नोट कहाँ से आया? और सबसे बड़ी बात, न समाजवादी पार्टी के पास धन है, काला धन न सफेद धन और न 2000 के नोट, और न हमें इसकी चिंता है। हमें चिंता पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की है कि जब आपको काम के उसमें लाइन लगाना चाहिए तो आप जो है उसको नोट बदली के लाइन में उनको लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब 500 और 1000 के नोट जब इलीगल टेंडर हो गए थे और जब उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी तो हमारे हिंदुस्तान ने की सरकार ने किसको इसका ठेका दिया था? कितने बड़े नुकसान से हम लोग जो है गुजरे उस टाइम। और बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इस बार भी नुकसान होने की पूरी आशंका है, तो वही इस बार मैं ये बिना सोचे समझिए, देखिए लोकतंत्र की हत्या उड़ाते उड़ाते धज्जी संविधान की धज्जियां उड़ाते उड़ाते अब ये रुपयों की भी धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है, जिसको हम लोग लक्ष्मी जी की संज्ञा देते हैं और हम लोग लक्ष्मी जी की तरह जिसको पूछते हैं उसकी धज्जियां उड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और 2024 में जनता पूरी तरीके से इनको समझ चुकी है, काम इन्होंने पिछले 9 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम इन्होंने किया। और जनता इनको 2024 में जब इनको उखाड़ फेंकेगी यहाँ से, मुस्कान जी, तो आप देखिएगा कि ये अब तक का नोटबंदी जो है अब तक का सबसे बड़ा स्कैम होगा और इसमें इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग संलिप्त हैं, कितने धन काले धन और या जिसको काला धन कहते हैं, कितना 2000 का नोट इन्होंने अपने तहखाने में या बोरों में इन्होंने भर रखा है, इस सबका खुलासा होने जा रहा है। ठीक है दिलीप जी, अभी आपने सुना कि जिस तरीके से दीपक रंजन जी ने कहा कि ये नोटबंदी है और कई लोग जो बाजारों में अक्सर बात करते हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं नोटबंदी करार दे रहे हैं, तो क्या वाकई में ये नोटबंदी है जिस तरीके से लोग अब इसको नोटबंदी कह रहे हैं? मुस्कान जी अपना सवाल दोहरा दीजिए, आपकी आवाज कट गई। ठीक है दिलीप जी, अभी आपने शायद दीपक रंजन जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये एक नोटबंदी है और बाजारों में भी मैंने सुना कि जब बातचीत कर रहे थे लोग तो कह रहे थे कि अरे ये तो एक बार फिर से नोटबंदी हुई, तो क्या ये वाकई में इसे नोटबंदी करार दिया जाना चाहिए, सही है जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं? आप टेक्निकल मीनिंग पूछेंगे तो नहीं है, लेकिन आप साधारण भाषा में तो कहेंगे हाँ ये नोटबंदी ही तो है और क्या है सर। इस बार आरबीआई ने उसको लैंग्वेज चेंज कर दी कि लीगल टेंडर रहेगा लेकिन सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, मतलब आप कान इधर से ना घुमा के उधर से पकड़ ले रहे हैं। मैं फिर वही सवाल विवेक जी के सामने रखूंगा जो मैं पहले रख रहा था कि ये जो ब्लैक मनी की बात आप कर रहे हैं, 140 करोड़ 135 करोड़ की हमारी जनता में 99% जनता 60% जनता को तो राशन आप खिला रहे हैं, बाकी जो जनता बच रही है वो इस लायक नहीं कि इतना पैसा अपने पास ब्लैक मनी के रूप में रख पाए। चंद सेगमेंट के पास अगर ये पैसा है तो आप उसी चक्कर में पूरे देश को क्यों परेशान कर रहे हैं? आदमी अपना काम धाम करे कि फिर से घर में खोजे कितने नोट रखे हैं 2000 के, औरतें परेशान होगी कहां तकिया में छुपा के उन्होंने 2000 का नोट रखा है, वो बदलने के लिए बैंक जाएं लाइनों में लगे, फिर अगर किसी का कैश ज्यादा जमा हो जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस दे। अच्छा दिलीप जी, आपको पता है लोगों ने इसका भी लूप होल निकाल लिया है। बिल्कुल दिलीप जी, पता है लोगों ने इसका भी लूप होल निकाल लिया है, क्योंकि गुजरात में आज जो रेट है सोने के वो हाई हो गए हैं, क्योंकि अब मार्केट में 2000 के नोट लेकर लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, तो ये जो 4 महीने का टाइम दिया है तो लोग जो ब्लैक मनी है उसको बैलेंस करते हुए भी दिखाई दिए। मुस्कान जी, जिन पर प्रहार करने की सरकार बात करती है ना उनपे कोई प्रहार नहीं होता है, प्रहार आम जनता पे हो जाता है, उसके पेट पे प्रहार हो जाता है, उसके जेब पे प्रहार हो जाता है, उसकी बचत पे प्रहार हो जाता है, और जिस पे प्रहार करने का तर्क ये देते हैं वो प्रहार किसी को होता ही नहीं है, वो तो अपना काम फिर भी कर लेता है। और आप अगर मैं लीगली ऑब्जर्व करूं, विवेक जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आरबीआई ने प्रेस रिलीज में जो रीजन दिया है, प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, इन्होंने रीजन दिया है क्लीन नोट पॉलिसी, समझ रहे हैं आप, क्लीन नोट पॉलिसी को ये कहते हैं कि देश की जनता को अच्छे नोट मिले। अरे अच्छे नोट में क्या 2000 की वैल्यू की बजाय 3000 की वैल्यू दे देंगे क्या आप? और क्लीन नोट पॉलिसी का क्या मतलब है? उसी दौरान में और भी नोट छपे थे,
2000 के साथ साथ 500 की छपे, 100 के छपे, 50 के छपे, वो सही है, वो खराब नहीं हुए, 2000 के ही खराब हो गए। ठीक है विवेक जी, से मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ। बिल्कुल, जनता ने आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया है, जनता ने आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया है कि आप हर थोड़े दिन बाद नोट बदलवाते रहिए आदमी से। बिल्कुल, नोट कमाने का मौका भी दीजिए, कुछ नोट बचाने का मौका भी दीजिए। बदलवाते हैं, कमाने देते नहीं है, फिर बदलवाने की लाइन में लगा देते हैं। चलिए ठीक है दिलीप जी, मैं अब आप ही का सवाल विवेक जी से लेती हूँ। ठीक है विवेक जी, क्लीन नोट पॉलिसी, अभी आपने सुना कि जिस तरीके से जो दिलीप जी है उन्होंने बताया कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा है कि 2000 के जो नोट है वो अब से कुछ महीनों के बाद बाजारों से गायब हो जाएंगे, तो क्या 2000 के नोट इतने खराब हो गए? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो जो दिलीप जी तर्क दे रहे हैं कि 80 करोड़ को राशन आप दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जिनको अब राशन दे रहे हैं उनके पास 2000 का नोट नहीं, हम भी जानते हैं, और उन्हें लाइन में लगना भी नहीं है। नोट जिनके पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास, वो लाइन में लगेगा नहीं, राजनेताओं के पास जो इसको डब करके रखे हैं, और अगर ये नोट निकल करके बैंक के चलन में आता है चाहे जिस रास्ते आए, पिछली बार भी देखा गया था कि बहुत से लोगों ने अपने पैसे जनधन खाते वालों से 2.5 लाख बदलवाए थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंत्र से कहा था कि जिन्होंने दिया रख लो। जो इस तरह के लोग ब्लैक मार्केट तरीके से इस दोष को बदलवाने की कोशिश करते हैं, जनता की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का सहयोग ना करें, और अगर उनके खाते का कोई इस तरह का प्रयोग करता है तो उसकी सूचना सरकार को दे। ठीक है विवेक जी, अभी आपने कहा कि जो जिस 80, एक मिनट में आती हूँ, अभी आपने जिक्र किया कि 80 लाख जो 80 करोड़ लोगों को जो आप राशन देने की बात कर रहे हैं उनके पास 2000 का नोट नहीं है, क्या विवेक जी आपके पास 2000 का नोट होगा आपके घर पर? नहीं, आपके घर पे 2000 का नोट नहीं है? मेरे पास नहीं। नहीं, आपके घर पर तो मौजूद होगा, अगर मान लीजिए आपके घर पर एक भी नोट मौजूद होता है तो आप उसको कैसे बदलवाएंगे? बदलवा चुके हैं पहले ही, पहले ही बदलवा चुके हैं विवेक जी, उनको मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है। जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनकी मनसा, उनकी चिंता, उनकी व्यथा समझ में आती है। आखिर सरकार 2000 का नोट चलाए, 500 का चला, 1000 का चला, जितने की भी चला रही, अगर आपको उस मूल्य का धन अदा हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? ये सरकार का विषय है, आपको लाइन लगने के लिए नहीं कहा जा रहा, आते जाते जो हो बदल लो भाई, इतना लंबा ड्यूरेशन दिया गया है, पहली खोलने की जरूरत नहीं है। दर्द उनको हो जिनकी कोठरियां भरी हुई है, जिनको ईडी सीबीआई जिनके दरवाजे जाती है उनका हंगामा शुरू हो जाता है, साहब हमको परेशान किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, ममता जी के मंत्री के यहाँ से नोट निकलता है उस पर नहीं कोई विधवा विलाप करता कि भाई यहाँ इतना नोट कैसे आ गया, तब तो लोग कहते भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ रखवा दिए होंगे ममता के मंत्री के यहाँ। इस तरह की मानसिकता देश के नागरिकों को नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में एक भी रुपये गलत तरीके का है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम मुख्य धारा में लाए, और अगर सरकार ये प्रयास कर रही है, सरकार के इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए, इसमें हमको आपको सबको इसका सहयोगी होना चाहिए, ये हमारे आपके हित के लिए है, देश की मजबूती के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। किस हित की बात कर रहे हैं आपकी, जो आम जनता है वो बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़े हो, कैसे की बात कर रहे हैं? अगर आज मौजूदा वक्त में मेरे पास एक भी 2000 का नोट होगा तो बैंक का रुख तो मुझे करना पड़ेगा, क्यों दिलीप जी? मेरी बात से आप सहमत नहीं बन जी? सही बात है आपकी। अगर अभी अच्छा, ये हमारे बड़े भाई विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब मुझको दे दें कि इन्होंने आज ये मान लिया कि इनके सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, इन्हीं की सरकार है, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और पिछले 6-6.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नोटबंदी भी इन्होंने की थी, 2000 का नोट भी यही लेकर के आए थे, और आज इनके लिए वो 2000 नोट क्लीन करके देंगे, ये साफ करके देंगे, क्या करके देंगे, क्या क्लीनिंग करेंगे, और अभी तो हम लोग उसमें चिप खोज रहे थे मुस्कान जी, अभी तो चिप भी हम लोग को नहीं मिला, गोदी मीडिया ने चिप की बात कही थी कि 200
मीटर नीचे भी अगर पताल के जो है कहीं नोट छिपा होगा तो उसको ये चिप खोज निकालेगा। अभी तो हम अच्छा ये बताइए मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि नोट जो है विवेक भाई ये चिप निकाल के वापस करना है, चिप लगे लगे वापस करना है, और जिन जो मौतें हुई लाइन में लगे लगे उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जिन बहन बेटियों की शादियां टूटी उसका जिम्मेदार कौन है, जिनका सुहाग जो है छिना उनका जिम्मेदार कौन है, इसका इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? आपने फिर लोगों को अभी 6-8 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, जिसमें आप बदलने जा रहे हो, जिसमें हिंदुस्तान की जनता आपको बदलने जा रही है, तो ये बताइए आप कि 4 महीना तो आपने लोगों को लगा दिया नोट बदलने के लिए कि जनता आपसे सवाल जवाब ना करे, आपसे महंगाई की बात ना करे, आपसे बेरोजगारी की बात ना करे, आपसे GST की बात ना करे, आपने जो नोटबंदी की थी उसकी टेर फंडी बंद नहीं हुई उसकी बात ना करे, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ उसकी बात ना करे, कोरोना में जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई उसकी बात ना करे, आपने फिर लोगों को लाइन में लगा दिया। आपका ये बिना सोचा समझा निर्णय जो है, और अभी मुस्कान जी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, आपने भी पढ़ा होगा कि RBI ने जो है ये रिपोर्ट सार्वजनिक की थी कि 1680,000 नोट जो है वो मिसिंग है, जिसकी वैल्यू होती है 9.21 लाख करोड़, बिल्कुल, तो तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये क्या उसको निकलवाने के लिए ये पर्चा सरकार इनकी है, इनकी नाक के नीचे, ये बताए ना कि इनका सिस्टम फेल है, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी, इनकी इंटेलिजेंस इनकी फेल है, इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है और आज जगह है जब ये 4 महीना चुनाव को बचा है। अरे जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है, और आपने जो भी जनता को जितना आपने दुखी किया 9 साल के अंदर अंदर, जनता इसका सूद समेत बदला लेने जा रही है, आपके सांसदों की जमानत जब्त होने जा रही है, और उसके बाद जब सरकार नहीं बनेगी तब आपसे सवाल जवाब होगा कि नोटबंदी का, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में मुस्कान जी, उस टाइम आपने भी सुना होगा, हम लोग ने भी जाना कि इनका इतना आलीशान दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर कहां से बन गया, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने 200 जिलों में इन्होंने पार्टी दफ्तर कहां से खरीद लिया, हर जिले दफ्तर में आपने देखा होगा फोटोज आए थे कि 200-400 मोटरसाइकिल इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहां से दे दी, हम आप 1000-1500 रुपए के लिए हम लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे थे कि हमारे घर का जो है पालन पोषण चल जाए, उस टाइम ये लोग पूरी तरीके से फल फूल रहे थे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से। और देखिए इन्होंने ये बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने कैसे बनाई, ये बता दें मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार कैसे बनाई, ये बता दें गोवा में इन्होंने सरकार कैसे बनाई, ये बता दें मणिपुर में इन्होंने सरकार कैसे बनाई। तो देखिए विवेक भाई आप इस चीज़ को सहस्र स्वीकार कर लीजिए, कर्नाटक की जनता ने आपको बता दिया है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और ये गिनती दिन ब दिन जो है आपके अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले, उसमें भी आपका असर क्या होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन सीधा मैं रुख करती हूँ दिलीप जी का। दिलीप जी, जो कल प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि 2018 और 19 में ही 2000 के नोट का प्रिंटिंग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, और 89% जो वोट है वो 2017 से पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो RBI ने ये फैसला है ये चुनाव से पहले ही क्यों लिया, और इसका असर जो है देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था पे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे जरूर फर्क पड़ेगा। राजनीति में जो 2 नंबर का पैसा खर्चा किया जाता है उस पर जरूर फर्क पड़ेगा, और इलेक्शंस में जिस तरीके से पैसा बहाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में, चाहे वो टिकट खरीदने को लेकर के हो, चाहे वो वोट खरीदने को लेकर के हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग को लेकर के हो, चाहे वो प्रलोभन देने वाली चीजों को लेकर के हो, जिन मोड्स पे पैसा खर्चा किया जाता है उस इकोनॉमी पे जरूर फर्क पड़ेगा। और इस जो प्रेस रिलीज उसमें बहुत सारे टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल कबिया है, लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं है। मैं जानता हूँ जो बात को इधर उधर घुमाएंगे, आप बताइए कि अगर 89% पैसा 2 नंबर में चला गया तो आप किस बात का दम भरते हैं कि आपने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आपने करप्शन की कमर तोड़ दी, आपकी नोटबंदी के बाद अगर 89% पैसा फिर से 2 नंबर हो गया और फिर से लोगों ने डंप कर लिया तो आपने कमर किसकी तोड़ी, और दोबारा से नोटबंदी करके फिर किसकी कमर तोड़ेंगे आप खाली आम जनता की कमर तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस नोटबंदी के प्रोसेस को रत्ती भी सराहना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये 2000 का नोट, ठीक है दिलीप जी, ऑन द रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड आपका अचीव ना, तो आपका आपका ऑब्जर्वेशन भी गलत है, आपका तर्क भी गलत है, आप लीगली भी गलत है।
बिल्कुल दिलीप जी, अब ये जैसे 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया, ठीक है, वो माइलेज आपको जरूर मिल जाएगा आने वाले चुनाव में। ठीक है, हो सकता है कि आप पोजीशन का पैसा तोड़ना चाह रहे हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां जो खर्चा करती है वो न कर पाए, खर्चा कर पाए चुनाव में, ये सारे उद्देश्य अगर है तो ये सारे उद्देश्य आपके जरूर पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन दिलीप जी मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है दिलीप जी, ठीक है, ना तो उन उद्देश्यों में कोई दम है और जब दम ही नहीं है तो पूर्ति होने की कोई बात ही नहीं। ठीक है दिलीप जी, अब ये जो 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, क्या इसकी जगह कोई और विकल्प नहीं हो सकता था कालाबाजारी को रोकने का? जी दिलीप जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मैं वापस रुक करूंगी दिलीप जी की तरफ, लेकिन सीधा विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी, अभी आपने सुना कि दिलीप जी ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ जो फैसला है ये आम जनता को परेशान करने वाला फैसला है, और अगर 2018 और 19 में जब नोट का सर्कुलेशन, नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई थी, तो 89% जो नोट पहले से जारी किए गए थे, यानी कि आप ही की सरकार के नाक के नीचे से कालाबाजारी का खेल और टेरर फंडिंग का खेल लगातार फलता फूलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल तक आपकी पार्टी ने चुप्पी साधी रही, ऐसा क्यों? देखिए मुस्कान जी, सब लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तमाम राज्यों में हमारी सरकारें रही है। पश्चिम बंगाल में ममता जी के मंत्री जी के यहाँ से जो नोट निकला वो भारत सरकार के मंत्री ने वहां रखवाए थे। इसी तरीके से तमाम जगह जो एनआईए छापा डाल रही है, टेरर फंडिंग के सूत्र तलाशती फिर रही है, वो भारत सरकार के अधिकारियों ने रखवाए, सब पे कार्रवाई की जा रही है। ईडी सीबीआई जो विपक्ष के लोगों को बुलाती है, पूछताछ करती है, होता साहब विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है। अब अगर 2000 का नोट सरकार वापस ले रही है तो भी दर्द है, इतना ज्यादा क्यों रख लिया भाई, कि वापस करने में दिक्कत आ रही है। अरे तो हमने शुरू ही क्यों किया था, चालू क्यों किया था 6.5 साल पहले? इसीलिए किया था। किस लिए किया था? बच्चा काला धन भी खींच के लाएंगे। अच्छा, इसीलिए किया था। 500 हजार के जब नोट आपने बंद किए थे तब भी आपने इसी की बात की थी, 96.4% पैसा आरबीआई की, आरबीआई ने कहा है। अरे हम तो चाहते हैं बिल्कुल चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से आप बायस होकर के कार्रवाई मत करने की बात आप मत करो विवेक भाई, आप अपने क्योंकि सबसे कार्रवाई हो रही है, 4 महीने का समय दिया गया, चले जाओ बैंक में जब बदल आओ। अरे तो आदमी के पास आदमी आप रोजगार कब दोगे ये बताइए? अभी हमारे विवेक भाई ने कहा, मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं दिलीप भाई ने भी कहा, मुद्रा योजना में लोन मिला है और किसको चाहिए भाई लोन? तो आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे उन बातों का कि रोजगार आप कब दोगे? 2 करोड़ पर एनएम की नौकरी के बाद आपने कही थी 2 करोड़ नौकरी दे दी, 20 लाख की नौकरी आपने दे दी हो तो बताओ, पकौड़ा तलवाने की बात आपके देश के कहते हैं? आपने अपने गृह मंत्री के लड़के से पूछा कि उसकी संपत्ति 50 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के साल में 1 साल के अंदर अंदर पता किया? ठीक है, आप दोनों एक एक करके अपनी बातों को रखिए, तभी हमारे दर्शक जो है वो आपकी बातों को सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। विवेक जी, अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। देखिए मुस्कान जी, विपक्ष नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पहले नौकरी रोजगार में अंतर समझ ले। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया गया है, जाके रिकॉर्ड देख ले, पकौड़ा तलने के लिए वो आप तलते रहिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप गलत बात बोलोगे तो कौन सुनेगा? पूरा देश सुन रहा है। झूठ बोलते हो आप, सिवाय झूठ के कुछ है नहीं आपके पास, सिवाय झूठ के कुछ है नहीं आपके पास। ये आपका बीटेक एमसी वालों को पकौड़ा तलने की बात करते हो, आप पकौड़ा तलवाने की बात करते हो। आप दोनों ही प्रवक्ता अपने तर्कों पर बात करिए, आप दोनों ही प्रवक्ता जो है वो तर्कों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए, एक एक करके बोलिए। यहाँ पर देश के रोजगारों की बात है, देश में रोजगार की बात है, इस तरीके से चर्चा नहीं होती। यहाँ विवेक जी बची, समाजवादी पार्टी बची, बोलना चाहते हो या दोनों के दादों को बंद करना पड़ेगा? अपनी टीम से बोलो कि दोनों की आवाज को बंद कर दिया जाए।
ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी आप दोनों की आवाज को बंद कर दीजिए, ठीक है? आप दोनों एक एक करके अपनी बातों को रखिए। आप दोनों एक अच्छे पार्टी के प्रवक्ता है, बड़े पार्टी के प्रवक्ता है, एक एक करके बोलिए, तर्कों पर बोलिए, तथ्यों पर बात करिए, तभी जो जनता है वो सुन पाएगी और सुनना भी चाहेगी आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ना झूठ, ठीक है, मैं वापस आप दोनों के पास आऊंगी। लेकिन अभी उससे पहले जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो ये भी दावा किया गया था कि 2000 का और 500 के साथ जितनी भी नई करेंसी आ रही है उसकी नकली करेंसी नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन आज उसी से मिलते जुलती एक खबर हमारे पास आई है, खबर भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप सभी पहले इस बाइट को ध्यान से सुनिए। तो मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि उस बाइट को जरा प्ले कर दें। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आरबीआई ने हमें ये अवगत कराया है, उसे एसबीआई के केस से 600 रुपये के नोट फर्जी प्राप्त हुए हैं और उसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस की जांच कर रही है, विवेचना कर रही है, विवेचना के बाद जो भी लोग दोषी होंगे। मैं इस खबर को जरा एक बार संक्षेप में बता दूं कि ये खबर आगरा से है, जहां स्टेट बैंक की करेंसी चेस से रिजर्व बैंक को नकली नोट भेज दिए जाते हैं। अब तो 100 के भी नोट नकली मिल गए, अब क्या 100 के भी नोट बंद करवा देंगे? विवेक जी बताइए। मुस्कान जी सिद्धार्थ नगर में करेंसी चेस्ट के कैशियर महोदय पूरे एक सिंडिकेट में इन्वॉल्व थे, जो इस तरह के नकली नोटों को करेंसी चेस्ट में जमा करते थे और लंबा रैकेट था, उस पर कार्रवाई हुई, बहुत लोग जेल गए। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के अपराध पे भारत सरकार कार्रवाई कर चुकी है, सीबीआई ने छापा डाल के पकड़ा था। ये चीजें होती रहती है, बात नकली नोट की नहीं है, बात यह कि जिन नोटों का लोग डंप करके काले धन में प्रयोग कर रहे हैं, वो काला धन कैसे बाहर निकले? अगर किसी नोट की नकल बनाई गई है तो उस पर कार्रवाई करना, उसके अगले नोट को सुधारने का काम आरबीआई का है। लेकिन जो बड़ी मात्रा में रकम डंप होती जा रही है, उस रकम डंप रकम को कैसे निकाल के मुख्य धारा में लाया जाए, ये भी काम बैंक का है। आरबीआई ने वही काम किया है और पूरा समय दिया कि आपके पास समय आते जाते बैंक बदल लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि 4 महीने में हम कभी बैंक नहीं जाएंगे। ये भी नहीं जरूरत है कि पैनिक होकर के कल ही लाइन पे लग जाइए। जिस तरह से लोग लाइन में लगाइए, उसकी शादी टूट गई, उसके बाप मर गए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आते जाते बैंक बदल लीजिए, इतनी बड़ी रकम बिताई क्यों नहीं हो बदलने में, सांसें फूल जाए। ठीक है भाई, बैंक में रखो, आते जाते देखते रहो, बदलते रहो, क्या दिक्कत है? जनधन खाते में हमने रोजगार वाले का बर्तन मांगने वाले का मजदूर चर्चा कर लूंगी, लेकिन आज जो मुद्दा है वो 2000 के नोट पे है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन मैं सीधा एक बार और रुख करती हूँ मलिक जावेद अंसारी का। मलिक जी, अभी आपने तर्कों को सुना कि आते जाते नोट बदलवा लीजिए, लोग बैंक तो जाते होंगे, मतलब अब अगर लोगों के पास कोई काम है तो वो पहले काम छोड़ करके बैंक जाए, 2000 के नोट को बदलवाए और एक लंबी लाइन में लगे। 4 महीने काम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, उसका एक रिजल्ट आता है। सेम ये ऐसी सरकार है जो बिना रिजल्ट के काम करती है। मेरा इनसे सवाल है, इन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, सीधा सवाल है कि नोटबंदी से पहले 16 लाख करोड़ मार्केट सर्कुलेशन में था, आज 31 लाख करोड़ रुपया मार्केट सर्कुलेशन में, तो ये आपके नाक के नीचे ऐसा क्यों हो गया? सारा कैश में आ गया पैसा, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है बैंकों से, आपकी सरकार में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। आपने तो आगरा की रिपोर्ट दिखाई काउंटरफीट कॉइन की, ये तो आप सूरत में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, 5-5, 10-10 करोड़ की करेंसी पकड़ी जा रही है, फेक करेंसी, जो ये दावा करते थे कि फेक करेंसी पे अटैक है, ये टेरर फंडिंग पे अटैक है। अभी डीआरडीओ का साइंटिस्ट है, डायरेक्टर था, वो आरएसएस का मेन एक्टिव मेंबर है, उसकी 4 पुश्तों से वो आरएसएस का आदमी, वो हमारे देश की मिसाइलों को पाकिस्तान भेज रहा है इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसे लोग हैं कि इनके नाम, इनका काम यही है बस झूठ बोलना, बार बार बोलना। और वित्त मंत्री का एक बयान दिखा दीजिए मुझे अगर आया हो, इतना बड़ा फैसला हो रहा है देश में पैसे को लेके, करंसी को लेके, वित्त मंत्री तो प्याज खाती। देखिए मलिक जी, ट्वीट की तो बात मत ही करिए, क्योंकि तमाम कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिस पर नेताओं का ट्वीट तक नहीं आता है। लेकिन अब मैं सीधा एक बार और रुख करती हूँ, ठीक है? मैं दिलीप जी सीधा आपका रुख करती हूँ।
दिलीप जी, अब ये 2000 की करेंसी तो बंद हो जाएगी, तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट अब मार्केट में आने की उम्मीद है? और अगर सब्स्टिट्यूट आता है तो वो क्या बेहतर सब्स्टिट्यूट होगा आपके मुताबिक? बेहतर सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? नोट के बदले नोट ही आएगा, और जिसको ब्लैक मनी रखनी होगी वो किसी भी डिनोमिनेशन में रख लेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जब 1000 के थे तब भी यही कहा जाता था कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो गई है, फिर 2000 के आए तो जाहिर सी बात है कि 1000 में थे तो 2000 में रखना और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये सुविधा ब्लैक मनी की तो आप ही दे दी ना, 1000 में डबल स्पेस चाहिए होता है 2000 के नोट पे 50% में काम हो जाएगा। अब आप 2000 का नोट बंद करके वापस 1000 का नोट लाएंगे या 3000 का नोट लाएंगे या 2500 का नोट लाएंगे, आप जो भी नोट लाएंगे जिसको ब्लैक मनी कमानी है, जिसको ब्लैक मनी रखनी है, वो ब्लैक मनी किसी भी डिनोमिनेशन में रख लेगा। जब 5 और 1000 के नोट नहीं हुआ करते थे तब भी इस देश में ब्लैक मनी हुआ करती थी, तब भी लोग पैसा डंप करके रखते थे। आप नोट बदलवा करके ब्लैक मनी को कर्व नहीं कर पाएंगे। आप सिस्टम को इम्प्रूव करिए, आप ब्लैक मनी को सर्कुलेट होने का रास्ता बंद करिए, आप कानून को स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी एजेंसीज को अलर्ट करिए कि वो एक्टिव मोड में आकर के जहां अपेरेंट दिखता है कि ब्लैक मनी है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जहां पर बताने की जरूरत है कि ब्लैक मनी होगी या नहीं होगी, अपेरेंट है कि वहां ब्लैक मनी होगी, रेड करिए वहां पर जरूरत से ज्यादा ब्लैक मनी निकल के आएगी। तो आप वो उस मशीनरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ब्लैक मनी के नाम पर अपने राजनीतिक माइलेज को उठाने के नाम पर आम जनता को क्यों परेशानी में डालते हैं? इस देश का जनतंत्र इसलिए नहीं है कि वोट देकर के सरकार बनाए और तो सरकार की गलत नीतियों को झेले। आप इसलिए इसलिए जनता को इस तरीके से जनता को परेशान मत करिए। जनता वैसे ही बहुत त्रस्त है, नोटबंदी फिर GST फिर कोरोना, व्यापारी वर्ग उभर नहीं पाया है। व्यापार की पर हालत जाकर के देखिए आप इस देश की इकोनॉमी को एक सेगमेंट से नहीं तोड़ सकते हैं कि अगर कोई एक बड़ा बिजनेस हाउस ग्रो कर रहा है तो सारे ही ग्रो कर रहे होंगे। जरा नीचे तक को देखिए कि वो कैसे अपने बिजनेस को चला रहा है, कैसे मेंटेन कर रहा है। आपने नियम ऐसे बना दिए जो 100 करोड़ की कंपनी पर भी वही लागू होगा, उसका 1 लाख का टर्नओवर उस पर भी वही लागू होगा। इसके पास मैन पावर नहीं है, वो कैसे कंप्लायंस को करेगा? आप साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से, कैटेगरी ऑफ बिजनेसमैन के हिसाब से आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए ना। आप खाली नोट बदलवा के आपने एक ही पॉलिसी ऑफ कर ली, हम नोट बंद करेंगे और ब्लैक मनी रुक जाएगी। अगर रुकनी होती तो पिछली बार जब आपने 2016 में करी थी तो ब्लैक मनी खत्म हो जानी चाहिए थी, लोगों के पास 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए था और आपके साथ फिर हो गया। तो इसका मतलब आपकी ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं है तो फिर क्यों दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको? बिल्कुल दिलीप जी, यानी कि ये भी जो नई पॉलिसी लाई जा रही है ये भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी है, और खड़ी होना भी लाजमी है क्योंकि 2016 के बाद जब नोटबंदी की गई थी, नए नोट आए गए थे, तो ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, जो ब्लैक मनी है जो विदेशी खातों में जाता है, जो विदेशी बैंकों में जमा होता है, वो अब जमा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा सिलसिला लगातार जारी है और निरंतर भाजपा की सरकार में ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो 2000 के नोट का संचालन मार्केट में अब पूरी तरीके से कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, तो उसको लेकर जो भाजपा है वो तमाम तर्कों को पेश कर रही है। ये कह रही है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी और ये भी कह रही है कि कालाबाजारी को भी रोक दिया जाएगा। लेकिन जब 2016 में भाजपा द्वारा ये नोटबंदी का फैसला लिया गया था तो भी यही कहा गया था कि कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से जब 2000 के नोट को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है तो भी भाजपा यही तर्क दे रही है कि कालाबाजारी और नोटबंदी जैसे जो भी तमाम तर्क दिए गए थे वो सभी तर्क सही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 2016 में जब नोट बदले गए, जब नोट बंद हुए, तो भी भाजपा ने बखूबी कहा कि नहीं, कालाबाजारी रुक जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह है कि भाजपा और RBI को मिलकर के ये एक बड़ा फैसला लेना पड़ा कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन पूरी तरीके से सितंबर 2023 के बाद बंद हो जाएगा। अब सवाल ये बड़ा ये कायम है कि वाकई में ये जो नई योजना है ये कितनी कारगर होती है या कितनी कारगर नहीं होती है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये फैसला है RBI का, इससे अब आम जनता एक बार फिर से बैंकों के सामने लंबी लाइनों में खड़ी दिखाई देगी, बैंकों के बाहर धक्के खाते हुए दिखाई देगी, जिसकी तस्वीरें हमने साल 2016 में भी देखी थी। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए Prime TV के साथ। कुछ भाव पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।